Audio export. ऊपर पंचायत का हूँ। राजा महाराजा का टाइम का ये एक यहाँ पे एक उनका एक तोहफा था उस टाइम का मना हुआ। आज भी उनका जब भी हम यहाँ से क्रॉस होते हैं इस चीज़ को हम याद करते हैं कि उनने जहाँ भी कोई पत्थर लगा रखा है पे मौजूद है। तो आज जो भी हम मुकाबर काम करते हैं वो काम दिखाई नहीं देता। हमारी ये गवर्नमेंट से और टूरिज़म वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको रिपेयर करना चाहिए, इसको दोबारा उस शनाख्त को बहाल करना चाहिए कि जिसका हर आदमी को इतनी उम्मीद हो कि ये वाकई अपनी काबिलियत में कामयाब होते हैं। मेरा नाम अजय उत्तम है, मैं यहाँ पहुँच कर रहने वाला हूँ। तो हाँ जी, यहाँ पर जो हमारे सामने मैं खड़ा हूँ आपके यहाँ ये पूछ की इसको बोलते हैं बाघ डेडी। बाघ डेडी का मतलब है बाघ के सामने जो मेन गेट होता है उसको बोलते हैं बाघ डेडी। और हमारे J&K में और कहीं भी ऐसा नहीं जहाँ गए जिस चीज़ को बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया बोलोगे कुछ बोलोगे पर बाघ डेडी कहीं पर नहीं मिलेगी। और ये राजे के टाइम से बनी हुई है और इन्होंने बहुत खूबसूरत ये चीज़ बनाई हुई है। देख के हर आदमी का जो मन है वो मोहित हो जाता है। इसलिए इतने साल राज्य के गए हुए हो गए इसकी ना किसी ने कोई मरम्मत की ना कुछ। इसलिए हमारी एक टूरिज़्म के साथ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका जल्दी मैपिंग करके और इसको अच्छा डिज़ाइन दिया जाए कि ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो, ताकि ये हमारा साथ में बाग है इसको भी बनाया जाए, ताकि शाम को जैसे फुहारे चलते हैं सब चलता है एक रौनक हो पुंछ की, जहाँ पर इतना टूरिज़्म डेवलप हो के दुनिया देखे कि हमारा कितना अच्छा ये चीज़ है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी डेवलप किया जाए। नाम सदाकत मीर है, बाघ डेडी पुंछ की शान है। और यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन गोरन साहब से यही अपील करते हैं कि इसको डेवलपमेंट किया जाए और बिल्कुल शहर के बीचों बीच बाघ पार्क के साथ है। और कॉलेज डिग्री कॉलेज भी है यहाँ पे उसके साथ है और लोग यहाँ से गुजरते हैं और बिल्कुल यहाँ पे इसकी सीमेंट जो पुरानी 200 साल की है वो भी गिर रही है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म बिल्कुल ध्यान में लाए और इसको डेवलपमेंट किया जाए।